समय कभी एक सा नहीं होता, कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है, और उस समय के साथ हम किस तरह डील करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर रहता है। वैसे आज हम बात करने वाले हैं पावर स्टार के उस समय के बारे में जहां हमारे पावर स्टार पवन सिंह बाल बाल बचे। बात है 2018 की और जगह है बक्सर, जहां की चकाचौंध देने लायक थी, क्योंकि भाई यहाँ पवन सिंह आ रहे थे अपना स्टेज शो करने के लिए। पवन सिंह उन दिनों फिल्म राजा की शूटिंग कर रहे थे और उसमें काफ़ी मशगूल थे, लेकिन जैसे तैसे टाइम निकाल कर पवन सिंह ने बक्सर में अपने हो रहे स्टेज शो के लिए टाइम दिया और वहाँ पहुँच गए। बक्सर पहुँचने के बाद पवन सिंह ने अपना स्टेज शो स्टार्ट किया। स्टेज शो जिस तरह से पवन सिंह का हर एक स्टेज शो होता है उसी तरह से था, भी मशगूल थे, पवन गा रहे थे और ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां डांस कर रही थी। हाँ, बीच बीच में ऑडियंस की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि पवन सिंह उनका फेवरेट गाना गाएं। पवन सिंह ये कह भी रहे थे बस अभी थोड़ी देर बाद, और फिर पवन सिंह अपने एक से बढ़कर एक हिट नंबर पर गाना गाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद वापस से दर्शकों के एक गुट ने पवन सिंह से रिक्वेस्ट की कि फिर से वही गाना गाइए, यानी कि जो गाना पवन सिंह गा चुके थे वापस से उस गाना गाने की रिक्वेस्ट हुई। पवन सिंह ने ये कहा कि ये गाना वो ऑलरेडी गा चुके हैं, लेकिन अभी और लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पवन उनके और दूसरे गाने गाएं। तब पवन सिंह से फिर उस गुट ने फिर से पवन सिंह के उस गुट ने वापस से ये कहा कि नहीं, आप ये गाना गाएंगे ही गाएंगे। फिर पवन सिंह भाई पवन सिंह ठहरे, उन्होंने ये कहा कि जो अगला दर्शक कह रहा है भाई पवन सिंह तो पवन सिंह ठहरे। पवन सिंह ने ये कहा दर्शकों की और भी रिक्वेस्ट है, वो दूसरा गाना गाएंगे। पवन सिंह गाना गाने लगे। फिर तब से पवन सिंह के कानों में उनके मैनेजर ने आके एक बात कही, जिससे पवन सिंह स्टेज शो के बीच में ही गाना गाना छोड़कर चले गए। जी हाँ, आइए हम बताते हैं कि क्या हुआ। पवन सिंह ने वहाँ जाकर देखा तो पवन सिंह की गाड़ी बहुत ही बुरी तरह से तोड़ी गई थी, यानी आप ये समझ सकते हैं, इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से पवन सिंह की गाड़ी तोड़ी गई थी। फिर पवन सिंह को गुस्सा आया और पवन सिंह ने भी अपनी तरफ से बोलना स्टार्ट किया, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए पवन सिंह के जितने भी बाउंसर थे पवन सिंह को उनकी गाड़ी में बिठाए और लेकर वहां से रवाना हो गए। कि पवन सिंह के ये बाउंसर जानते थे कि वो लिमिटेड मात्रा में हैं, लेकिन वो जहां आए हैं वहां वो भीड़ कितनी उपद्रवी हो सकती है और पवन सिंह के जान को खतरा भी हो सकता है। साथ ही साथ पवन सिंह के दोस्तों को भी पवन सिंह की उसी टूटी हुई गाड़ी में बिठाया गया। जब पवन सिंह गाड़ी में बैठ गए तो भी पथराव हुआ और जैसे तैसे ड्राइवर ने गाड़ी भगाते हुए आगे लेकर चले गए। दूसरे दिन पवन सिंह मीडिया के साथ इंटरेक्ट हुए और वहां पर अपनी सारी आपबीती बताई, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि हम कलाकार हैं, हमारी कोई जात पात नहीं होती, हम किसी चीज़ को लेकर इस तरह से नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर हम पे इस तरह से हमले हुए तो ये बिहार सरकार की नाकामयाबी होगी। जी हाँ, यहाँ पर पवन सिंह ने बिहार सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन खैर उस वक्त की बात उस वक्त थी। पवन सिंह सारे गिले शिकवे भुला कर फिर से अपनी शूटिंग में जुट गए, फिर से अपने स्टेज शो में जुट गए, लेकिन उस दिन के बाद पवन सिंह बक्सर कभी नहीं गए अपना स्टेज शो करने। जी हाँ, अभी तक पवन सिंह बक्सर 2018 के बाद कभी नहीं गए अपना स्टेज शो करने। वैसे ये पहली दफ़ा नहीं था जब पवन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। पहले भी पवन सिंह के स्टेज शो में गोलियां तक चली हैं और उससे भी पहले पवन सिंह का किडनैप होते होते रह गया है। असली खतरों के खिलाड़ी तो हमारे पवन सिंह हैं, उनके लिए आप जहां भी हैं एक ज़ोरदार ताली ज़रूर बजाइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।